Hi guys, this is Ankara from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a freshman logical study. तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू से हम लोग कुछ सीखेंगे और जो भी बेनिफिट होगा हम उसको उठाएंगे जी. तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और आप लोग वीडियो को पूरे जो भी मैंने वीडियो डाले हैं, मैं बता देना चाहूंगा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, करेंट अफेयर का जो वीडियो एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें जाएं और उस अलग अलग वीडियो को देख लीजिए जिससे आप बेनिफिट उठाएं ज्यादा से ज्यादा. इसके अलावा मैंने सारे लेक्चर बना रखे हैं जी, वो जाकर आप देख सकते हैं. ये बहुत नेसेसरी है कि आप जो भी लेक्चर पढ़ें, कम से कम जो भी एमसीक्यू करें उससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उस चैप्टर का वीडियो देख लें, ताकि आपको हेल्पफुल हो जी. तो अगर आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होके, और जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करता हूं उसका रिमाइंडर आप क्या करें जी, सेट ऑन कर दें, जिससे आपको पल पल के क्या हो गया नोटिफिकेशन मिल सके. कुछ बच्चों का अभी भी कंप्लेन आ रहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. मैं बता देना चाहूंगा कि आप जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक कर देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा जी. अब वो सारी इशू खत्म हो चुके हैं जी चैनल में. चलिए, लोहे के ऊपर, और मैं बता देना, जीनियर स्टडी चैनल पे आपको करंट अफेयर जो अपलोड हो रहा है उस करंट अफेयर को ज्यादा ही पढ़े जी, क्योंकि एस सीरीज को मैंने जो बनाया है, एस सीरीज में स्पेसिफिकली आपको वही जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में उसी को मैंने बनाया. तो एस सीरीज जो है और टी सीरीज टेस्ट वाला है और सारी सीरीज चल रहे हैं जी, तो आप एस सीरीज को मिस न कीजिएगा, उस करंट अफेयर को जरूर ही जरूर देखिएगा जी. तो चलिए, मेरा दोनों चैनल पे अभी दोनों एक्टिव है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चैनल अभी एक्टिव चल रहा है, दोनों पे वीडियो डाले जा रहे हैं जी. और मैं बता देना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी वीडियो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो आपको जीनियर स्टडी पे ही डाला जा रहा है जी, जो नए वाले चैनल है, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखे हैं जी, पुराने वाले भी और नए वाले भी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर नए और पुराने चैनल पे जा सकते हैं जी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं. लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने को क्या बोलते हैं जी? देखिए, ऑप्शन में क्या है जी, गैल्वेनाइजेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आयन है. इसमें से देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें होता है? बैटरी में होता है जी. गैल्वेनाइजेशन किसमें होता है? उसमें लोहे के ऊपर जिंक लगाने को क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है. आयन क्या होता है जी? जब किसी चार्ज को क्या करते हैं उसमें, जब किसी चार्ज पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से क्या, जब चार्ज निकालते हैं तो क्या होता है? आयन हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है जी? ऋण आयन हो जाता है. तो केटायन ऋण आयन दोनों होता है जी. तो आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा. विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमण पर निर्भर है? विद्युत अपघटन है जी. तो बोल रहा है कि जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो चार्ज बोल रहा है विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन के संबंधित प्रथम नियम. अच्छा, यह नियम किसका है जी? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा रटने वाला है, क्योंकि देखिए आपको इसमें समझना है. तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है क्या बोलता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हो रहा है जी, विद्युत अपघटन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो वो होगा प्रोसेस कैसे होगा, कितनी उसकी मात्रा होगी जो इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तो चार्ज पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा जी? चार्ज पे डिपेंड करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होता है? चार्ज का होता है. ये नियम कौन है? तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है जी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 आते हैं. क्वेश्चन नंबर 70 में देख सकते हैं, बोला किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उनमें प्रभावित धारा के अनुपाती होता है. बोला भौतिक अवस्था में ताप आदि में कोई भी परिवर्तन न होने पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर. देखिये, एक चालक है जी, इसके सिरों पर क्या लगाया? कोई वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, तो प्रभावित धारा के अनुपाती है. देखिए, तो हम जानते हैं जी धारा और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, वी बराबर आई आर होता है. ये बोल सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जी? आई के है. तो ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है. तो क्या हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है फैराडे के नियम संबंधित है. फैराडे के नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विक्षेपण से, विद्युत प्रसार. अभी तो पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन है क्या जी? 18 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा. एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, बात की जाए, देखिए एमीटर, आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हो कि मैंने ये बात बताई थी, आप उसको ध्यान रखिएगा जी, कि जो एमीटर होता है वोल्टमीटर होता है. देखिए, वोल्टेज को क्या है जी? वोल्टेज को किसी भी सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं. ये जो मान लीजिए कोई भी सर्किट है हमारा, इधर बॉल है, बहुत सारे सर्किट है इधर कॉम्प्लेक्स, इसको पैरेलल में हम लगाते हैं, किसको? वोल्टमीटर को लगाते हैं. लेकिन हम इस मान लीजिए बहुत इधर सर्किट है, रजिस्टर है, वोल्टेज है, कैपेसिटर है, बहुत सारा है इधर सर्किट, बहुत सारा बड़ा है. इसमें अगर हमको करंट निकालना है जी, तो करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके सीरीज में क्या लगाएंगे जी? एमीटर लगाएंगे. क्या लगाएंगे? एमीटर किसमें लगाएंगे? तो सीरीज में लगाएंगे. यहां से देख सकते हैं जी. अब क्वेश्चन बोला है यदि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो देखिए आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का
रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है जी? तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही हाई होता है। क्या होता है जी? बहुत ही हाई होता है, ये बात याद रखिएगा। तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। आदर्श के लिए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जीरो हो गया, 19 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है जी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? देखिए संधारित्र की धारिता, देखिए अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जी। संधारित्र के लिए फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डी। फॉर्मूला को याद रखिएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। देखिए हम जो है एकदम लॉजिक पढ़ाते हैं, लॉजिक पे ही डिपेंड रही है जी। अब देखिए बोला है कि संधारित्र किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन किस पर डिपेंड करता है? तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका क्या है जी, डायलेक्ट्रिक क्या है, ये क्या है एरिया है, ये क्या है जी एरिया है, डी क्या है जी उनके बीच। देखिए मान लीजिए दो प्लेट है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस है जी, ये दोनों प्लेट है, कैपेसिटर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और इस प्लेट का, ये प्लेट आप 3D समझिएगा जी, ये 3D में है ठीक है ना, इसका एरिया भी तो कुछ होगा ना इस प्लेट का, तो इस एरिया ये क्या है, इसके बीच डिस्टेंस है। और एप्सिलॉन क्या है, ये डिपेंड करेगा किस मटेरियल से बना है जी, ये किस मटेरियल से बना है सॉरी, और इसके अंदर इसमें एयर है, इस मीडियम के अंदर क्या है जी, एयर है क्या है, यानी मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करेगा। अगर एयर रहेगा तो अलग होगा, वैक्यूम रहेगा तो अलग रहेगा, अगर प्लास्टिक रहेगा तो अलग रहेगा जी ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए अब संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, अब हम लोग पढ़ते हैं जी। इसके सतह पे करता है तो सतह पे जरूर करता है जी, एरिया हो गया। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे करता है, जरूर करता है जी, डी पे करता है। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पे करता है, जी करता है। इन दोनों के माध्यम क्या रहेगा, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 20 का आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा जी। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है जी, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, इसके मीडियम क्या है जिसके अंदर ठीक है। एरिया क्या है जी, एरिया है इस प्लेट का, ये समझिए कि प्लेट क्या है जी, आपको ऐसा एक प्लेट है ठीक है, यहां से और एक प्लेट ऐसा है ठीक है जी, यहाँ पे, और इसके बीच क्या है जी, जो भी मीडियम रहेगा उस पे, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है जी, डी है। इसका एरिया क्या है इस प्लेट का, ई है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए होता है, बस फॉर्मूला याद रखिए, सारा का सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं देखिए वही है कि अगर मेरे से अगर नहीं पढ़िएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे थ्योरी पहले पढ़िए तो ही मेरा लॉ अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर पढ़िएगा कहीं और से मेरा थ्योरी अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले मेरे वीडियो देखिए, जो भी टॉपिक से पढ़ना है उस टॉपिक का वीडियो पहले देखिए और वहां से एमसीक्यू बनाइए जी, उसके बाद ही। चलिए बोला है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है जी। देखिए परावैद्युत स्थिरांक जो एप्सिलॉन होता है जी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का होता है, किसका होता है जी, ई वैक्यूम का होता है, जो क्या होता है वन होता है। तो अब एप्सिलॉन आर क्या होता है जी, हमेशा एक से अधिक होता है, क्या होता है जी, हमेशा एक से अधिक होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा जी, क्या होता है, बी होता है आंसर, 21 का बी हो जाएगा जी ठीक है। जैसे आपने डायमंड का याद किया है जी, अब क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4.24 ऐसा याद किया है राइट। तो वही क्या है जी, परावैद्युत स्थिरांक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बोर्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट किसके बराबर होता है? देखिए एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो, अगर मान लीजिए मेरे से पढ़े हैं तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का क्या होता है जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या होता है, देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर जो है वो क्या होता है जी, वन बोर्ड यूनिट होता है। तो किलो को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, वाट तो हमारा एसआई यूनिट में ही है जी, और आवर क्या होता है जी, समय क्या उसमें था, सेकंड में होता है, तो सेकंड में बदलेंगे आवर को तो क्या हो जाएगा, 60 गुना 60, तो क्या हो जाएगा 36 गुना 10 का पावर 5, क्या हो जाएगा 36 गुना 10 का पावर 5 जूल हो जाएगा, क्या जी, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या जी, 36 गुना 10 का पावर 5, आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा जी। तो यहां से देख सकते हैं वही है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या हो जाएगा, किसी भी जो एनर्जी कंज्यूमर है उसको क्या करेंगे, किलो वाट आवर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होगा। यही यूनिट है जो आपको मीटर जो बिजली बिल आता है उसी इसी यूनिट से आता है, वही बोलता है कि एक यूनिट हुआ है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, क्या होता है जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है जी, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, देखिए विद्युत चुंबकीय आपको क्या बनाया जाता है जी, गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर आंसर हो जाएगा जी। देखिए गैल्वेनोमीटर 23 का गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। देखिए मोटर है जी, मोटर क्या होता है जी, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उससे क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है जी, मोटर को चलाता है। ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं जो इलेक्ट्रिकल वाले जो बनाए हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें आपको पढ़ने मिला। विद्युत घंटी क्या है जी, इलेक्ट्रिक देते हैं और क्या देता है, वो साउंड देता है, जिससे क्या होता है, साउंड निकलता है। तो क्या है, उपरोक्त सभी क्या है जी,
विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है जी। क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट करता है जी, विद्युत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं जी, हम लोग साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं जी, आप बोल एक फ्यूज का तार प्रयोग के लिए डैश डैश होता है। देखिए फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को। देखिए फ्यूज का काम ही होता है कि हानि नहीं पहुंचाए, और जो अगर ज्यादा से ज्यादा करंट आए तो उसको क्या करे जी, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे। तो चलिए पढ़ते हैं, अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, ये भी हो सकता है कि फ्यूज विद्युत झटका से हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। उच्च धारा अगर प्रवाहित कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते जी, बोला है विद्युत फ्यूज के इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में, बोला है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। यह मिश्र धातु, देखिए फ्यूज बनाने के लिए क्या करते हैं, शीशा और टीन का फ्यूज बनाते हैं। इस मिश्र धातु में उच्च, अब देखिए फ्यूज जब बनाना तो फ्यूज में क्या होना चाहिए, फ्यूज में क्या होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, ताकि थोड़ा भी अगर करंट ज्यादा जाए तो क्या हो जाए, गल जाए और फ्यूज का कनेक्शन क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो गलनांक क्या चाहिए जी, ऊंच चाहिए, ऊंच गलनांक चाहिए। तो ऊंच गलनांक बी और डी में है, आपको बी और डी में है। हमको क्या क्या चाहिए, रेजिस्टेंस हमको कैसा चाहिए जी, रेजिस्टेंस हमको कैसा चाहिए, हाई चाहिए कि लो चाहिए, हाई चाहिए कि लो चाहिए। देखिए गलनांक कैसा चाहिए जी, निम्न चाहिए ना, क्योंकि जल्दी गलेगा तो क्या चाहिए, निम्न चाहिए ना, तो गलनांक निम्न चाहिए, तो ए और सी हो जाएगा। और प्रतिरोध कैसा चाहिए जी, कि हाई, जब देखिए प्रतिरोध कैसा चाहिए, एनर्जी कैसे क्रिएट होता है जी, हीट कैसे क्रिएट होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी है, तो आर ज्यादा रहेगा तो ही तो क्रिएट होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए जी, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध हाई होना चाहिए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध हाई होना चाहिए, और निम्न गलनांक रहेगा तो क्या, ज्यादा ही हीट, थोड़ा सा भी हीट जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा जी, निम्न गलनांक रहेगा तो जल्दी गल जाएगा, अगर हाई गलनांक रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए तब न गलेगा, इसलिए निम्न गलनांक पे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और ये सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपको 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो। देखिए जी उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में आता है जी, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया जाता हुआ होता है, बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या होता है, यह मेंस स्विच के साथ समानांतर में होता है। देखिए मेंस, देखिए जो भी बिजली है, देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये सर्किट है, मेन है, इससे क्या है जी, इसमें अगर हम लोग फ्यूज को अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, फ्यूज कनेक्ट हो जाएगा। और इस सर्किट मान लीजिए सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, फ्यूज जैसे ही गल जाएगा कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा सेफ मेरा रह जाएगा सर्किट। अगर मान लीजिए ये मेरा सर्किट की सप्लाई है, इसके हम पैरेलल में फ्यूज लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी, फ्यूज है जो आपको पैरेलल में लगा देते हैं, सर्किट मेरा ये सब है, ये मेरा है पूरा सर्किट। तो देखिए पैरेलल में अगर लगाते हैं तो ये गल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, सप्लाई तो ज्यादा रहेगा ना, तो हमारा सेव नहीं हो पाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए हमको, कैसा चाहिए, सीरीज में चाहिए जी। तो किसमें लगना चाहिए, यह मेन स्विच के साथ समानांतर संयोजन, ये मुख्य सिल्वर धातु का बना होता है, इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, इसका प्रतिरोध ऊंच होना चाहिए। अब देखिए जी तो समानांतर में तो नहीं होना चाहिए, बात खत्म। यह मुख्य सिल्वर मिश्र धातु का बना चाहिए, सिल्वर का क्या होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है जी, हमको क्या चाहिए, कंडक्टिविटी हाई चाहिए नहीं जी, प्रतिरोध हाई चाहिए। इसका गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक क्या होता है जी, निम्न होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, क्या होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए। चलिए 28 में, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज के तार का प्रयोग किया जाता है, विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, संचारण में विद्युत ऊर्जा को खर्च को कम करने के लिए वोल्टेज के स्तर को स्थिर करने, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। देखिए अधिक विद्युत धारा हो जाने से क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, जो भी लैंप वगैरह लगा हुआ उसमें धारा करंट जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा जी, उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा करंट पास कर रहा तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा क्या हो जाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस हो क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, कि सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। विद्युत धारा क्या होगा, रोकने के लिए क्या करेगा, अधिक विद्युत धारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और क्या हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है,
फ्यूज वायर किस मिश्र धातु का बना था? तो अभी तो पढ़े हैं टीन और शीशा का बना होता है, किसका बना होता है? टीन और शीशा का बनता है। 29 आपको याद करना, इसमें कोई उपाय नहीं है। टीन और शीशा क्या होता है, मिश्र धातु का क्या होता है? फ्यूज बना होता है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि किस राशि पे? तो ये प्रथम के लॉ पे ही तो अभी पढ़े हैं जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो क्या है? संवेग है, वोल्टता है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है जी? डी है। तो क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा किस पर डिपेंड करती है जी? विद्युत धारा जितना ज्यादा उतना क्या जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। तो कौन सा है जी? विद्युत धारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 31 में क्या बोला है जी? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए। एक क्वेश्चन समझिएगा जी, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में करना है जी। देखिए गैल्वेनोमीटर का यूज क्या किया है कि लिखिया जाता है जी? तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है कि सर्किट में करंट करंट प्रेजेंट है या नहीं, करंट क्या है जी? प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक किया जाता है। किसके द्वारा? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अब बात कीजिए अमीटर क्या करता है जी? तो करंट मेजर करता है कि करंट का अमाउंट क्या है। करंट अमाउंट मेजर करता है जी, अमाउंट मेजर करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है? तो वोल्टेज का अमाउंट मेजर करता है। क्या करता है जी? अमाउंट मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए, अब है कि गैल्वेनोमीटर जो है हमारा, करंट केवल है कि नहीं सर्किट में ये बताता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है जी। अगर देखिए, अगर सर्किट में गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? सुटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जो अगर हमारा सर्किट अगर नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, गैल्वेनोमीटर का नीडल नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब क्या है? सर्किट में करंट नहीं है। अब आता है कि गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर भी बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बनाया जाता है जी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से जब अमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से जब अमीटर बनाते हैं, तो देखिए अमीटर में क्या है जी? अमीटर में जब बनाते हैं तो अमीटर में क्या होता है? करंट क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। तो आइडियल के लिए जीरो होता है, और प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है? लो होता है। तो लो रेजिस्टेंस चाहिए जी, और जो रेजिस्टेंस चाहिए वो किसमें लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। किसके साथ जी? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? एमीटर बन जाता है, ठीक है जी। अगर वही वोल्ट मीटर को अगर हमको, देखिए गैल्वेनोमीटर को, सॉरी गैल्वेनोमीटर को अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे जी? हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, और किसमें लगाएंगे? सीरीज में साथ लगाएंगे। किसके सीरीज में लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा जी? वोल्ट मीटर बन जाएगा। इस बात को समझिएगा जी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे जी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, ठीक है जी। अगर मान लीजिए, अब क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर अमीटर को, अगर किसी सर्किट का अगर मान लीजिए इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है हमको मेजर करना है, बहुत सारा इधर भी सर्किट है हमको मेजर करना है, तो हमको अमीटर को सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? देखिए करंट यहां से पास हो रहा है ना, तो इसमें करंट पास हो रहा है, तो इसमें हमको तो सीरीज में लगाना पड़ेगा ना, तभी तो एक करंट मेजर करेगा। तो अमीटर किसमें लगाएंगे जी? सीरीज में लगाएंगे। सर्किट के साथ किसमें लगाएंगे? तो सीरीज में लगाएंगे। बात को समझिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये सर्किट जा रहा है, ये सर्किट जा रहा है, हमको मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो वोल्ट मीटर किसमें लगाएंगे? यहां से पॉइंट और यहां के पॉइंट के क्या लगाएंगे जी? मान लीजिए यहां पे मेजर करना है जी, तो यहां पे क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर क्या निकालेंगे? यहां से पैरेलल में लगाएंगे कि नहीं? इस दोनों पॉइंट पे क्या लगाएंगे? पैरेलल में लगाए ना, सीरीज में नहीं लगा सकते जी, ये पैरेलल में वोल्टेज लगाएंगे। वोल्टेज ये नहीं कि यहां पे लगा देंगे वोल्ट मीटर, यहां वोल्ट मीटर लगाएंगे जी पैरेलल में। तो यहां पे क्या लगाएंगे? वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या है जी? पैरेलल में लगाएंगे। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जी। देखिए ये मैं जो भी बताया हूँ ये बहुत ही अस्ट है, मान लीजिए ट्रिपल अस्ट 7 स्टार है जी। आप इस वीडियो को थोड़ा बैक जाके फिर से रिमाइंड करके इसको देखिएगा, आप लॉजिक को समझिएगा जी। मैं जितना बात बोला हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको कम से कम 10 क्वेश्चन कवर करता है जी, और इतना मानिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है जी। तो इस वीडियो को आप रिमाइंड कीजिएगा, तो मैं बोल रहा हूँ डोंट मग अप, प्लीज ट्राई टू बिल्ड रैशनल लॉजिकल माइंड सेट एंड स्टडी, जो हमारी चैनल आपको हेल्प करेगी। चलिए जी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर तब्दील करने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में करेंगे तो क्या होगा जी? श्रेणी में लगाएंगे। अब है उच्च प्रतिरोध लगाएंगे कि लो प्रतिरोध लगाएंगे? तो उच्च प्रतिरोध लगाएंगे जी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं हम लोग को जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर लगाना था तो हाई रेजिस्टेंस लगाया जी, किसमें लगाया? सीरीज में लगाया। तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया, श्रेणी में हाई रेजिस्टेंस।
आप समझ गए होंगे जी। देखिए इतना कंसेप्ट बिल्डअप करने के बाद हमको एक क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, उसको आप लोग देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, सही संबंध दर्शाए। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या जी, धारित, अच्छा धारिता, कैपेसिटेंस क्या है, विभव क्या है और इसका जी, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए जी, फॉर्मूला अगर देखिएगा तो क्या होता है जी, क्यू बराबर एक सी भी होता है, तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो धारिता के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, यानी ये पहला ही आंसर सही हो जाएगा जी। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, संबंध बताना है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 32 का ए सही हो जाएगा, धारिता दूसरा गलत हो गया। विभव, विभव के लिए क्या होता है, वी बराबर आई के साथ बताना है, तो आई आर होता है जी, क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है ना। या अगर वोल्टेज बताना है तो आई इंटू एक्स सी या एक्स आर रहेगा, ठीक है ना जी, यानी इम्पीडेंस रहेगा जी। तो यहाँ पे इम्पीडेंस भी नहीं है, तो ये खत्म हो गया। विभव को, वोल्टेज को क्यू बराबर सी भी होता है, तो यहां से भी धारिता वाली, ये सब धारिता वाला ही है, तो यहां से बस ये फॉर्मूला होता है, बस आप सही बता दीजिए, जो आंसर हो गया हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए जी, 33, धारिता एक राशि है, धारिता क्या है जी, सदिश राशि, अदिश राशि, ये कहानी क्या है जी, धारिता क्या है, माइक्रोफेरेड में बताया जाता है, क्या बताता है, बताया जाता है 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड है, तो क्या है जी, अदिश राशि है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन थोड़ा ना होता है, तो क्या हो जाएगा, 33 हमारा बी हो जाएगा। देखिए अब स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, अदिश राशि, देखिए सदिश का मतलब क्या होता है जी, उसमें वेक्टर भी, डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इस तो इसमें बोल रहे हैं 3 माइक्रोफेरेड है, तो इसमें डायरेक्शन थोड़ा ना बता रहे हैं, तो अदिश राशि हो गया, इसमें केवल हम क्या बता रहे हैं, अमाउंट बता रहे हैं, तो हमारा आंसर अदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए जी, 34 में, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को कहते हैं, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं जी, चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, क्यू बाई टी क्या होता है जी, आई, क्या होता है, क्यू बाई टी क्या होता है जी, आई होता है आपको। देखिए अगर आई का डेफिनेशन देखिएगा, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट होता है। तो यहां से देखिए मैं बोला चालक के चार्ज के गतिमान होने की दर, दर का मतलब क्या होता है जी, टाइम से डिवाइड करना है, तो विद्युत धारा होती, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में टाइम लग जाता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में, वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए विद्युत वाहक बल क्या है जी, मैं बता देना चाहूंगा, ईएमएफ हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल होता है जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही अगर ऐसे अगर मानना चाहें तो आप क्या मान सकते हैं, वोल्टेज मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं जी, वोल्टेज मान सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या है जी, मान लीजिए एक तरह का क्या है जी, वोल्टेज है। ये जो हमारे बैटरी में होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, कोई बैटरी है जी, उसका वोल्टेज है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये जो आपको उसका वोल्टेज है उसको ईएमएफ बोलते हैं जी, और ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे या आईआर लिखेंगे, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसको क्या बोलेंगे जी, टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। यहां से 2 पॉइंट निकला, यहां से क्या जी, टर्मिनल वोल्टेज निकलता है, तो ये कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करता है, लेकिन अल्टीमेट जो सर्किट में करंट फ्लो कराता है कौन कराता है जी, ईएमएफ कराता है। तो वही है आपको ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो विद्युत वाहक बल है जी, विद्युत वाहक बल आंसर हो जाएगा, सी आ जाएगा। 36 का आते हैं, बोल रहा है एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है। बिजली में फ्यूज तार में क्या होना चाहिए जी, उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, तो निम्न गलनांक होना चाहिए, और तार मोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। देखिए अब देखिए जी, अब इसमें मोटा तार अधिक लंबाई बोला है, तो रेजिस्टेंस बताना है, तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं जी, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस हमको हाई चाहिए ना, तभी तो ज्यादा गलेगा, तो लेंथ ज्यादा चाहिए, एरिया कम चाहिए, तो लेंथ क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, एरिया कम चाहिए जी, ठीक है ना, यहां से देख सकते हैं जी। तो रेजिस्टेंस का यहां से निकाल लेंगे, और आपको पता ही है कि गलनांक कैसा होना चाहिए जी, उसका निम्न होना चाहिए, तो तार कैसा होना चाहिए, अधिक लंबाई का होना चाहिए और तार पतला होना चाहिए, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, अगले ऑप्शन में है सी, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन को इतना समझिए जी, और ऐसे ही बनाइएगा, लॉजिक बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, मैं सबको बता दूंगा, लॉजिक बिल्डअप करना बहुत जरूरी है जी, लॉजिक अगर बिल्डअप नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत आएगी जी। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बनाता है। तो देखिए बिजली के, सर ये तो टंगस्टन है, सबको पता है टंगस्टन, फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, सॉरी फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, डी, क्वेश्चन नंबर डी। 38 में आइए जी,
बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज भी होती है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज भी। देखिए बल्ब को तोड़ने पर क्या होता है, उसके अंदर जो गैस होता है ठीक है ना, उसके अंदर जो गैस होता है जी, उसके अंदर क्या होता है जी, खाली होता है। तो उसके खाली होने से क्या होता है, बाहर के जो 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 गैस होते हैं वो अंदर जाते हैं, उससे क्या होता है जी, आवाज करते हैं। तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, वही रीजन है जी। 38 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 39 का, बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। देखिये बिजली के बल्ब में देखिये अगर हवा नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हवा ह्यूमिडिटी है एक तरह से क्या जी, वाटर ड्रॉप्स रहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें उसके वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा और जो हमारा जो भी टंग एठी है आपको फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा जी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे जंग लगने लगेगा वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा बाद में। तो इसीलिए किया जाता है, तो टंगस्टन के तंतु के उपचय को रोकने के लिए, तो क्या है जी, उपचय उनको रोकने के लिए। तो 39 का क्या हो जाएगा जी, आंसर ये हो जाएगा आपको। 40 में जी, 40 में क्वेश्चन बोला, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों। यदि रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, वोल्टता की घट बढ़ने पर उस पर असर नहीं पड़ता, ट्यूब के विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश हो जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए, 40 का आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। देखिए क्योंकि ट्यूब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा लगभग क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में आती है, और इसीलिए क्या होता है, पसंद किया जाता है। देखिए आपको सीएफएल जो है फ्लोरोसेंट जो था, उसके बाद फ्लोरोसेंट को भी अब क्या लेड रिप्लेस कर दिया, लाइट इमिटिंग डायोड कर दिया है, तो क्या था, ये भी क्या था, 100% प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इसमें तो एनर्जी ज्यादा लग रहा था। आप पुराने रेटिंग देखिएगा फ्लोरोसेंट का, तो उसका वाट जो होता है क्या होता है जी, 20 वाट, 40 वाट, 50 वाट का, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एनर्जी ज्यादा लग रहा था। अब उसको भी कम कर दिया गया, 9 वाट, 10 वाट से आपको रिप्लेस कर दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर मैंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। थैंक यू, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।